हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू न्यू लीडर क्लास के शो। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी को। पॉलिटी की पिछली क्लास में मैंने आपको नीति निर्देशक तत्वों के कुछ अनुच्छेद बताए हुए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 में क्या है, अनुच्छेद 44 में जो है एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता हमारे यहाँ पे नहीं है, लेकिन केवल और केवल एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे एक समान सिविल संहिता है, और वो है गोवा। आपको याद रखना है, कई बार पेपर में आया हुआ है। वही इसके साथ ही मैंने आपको बताया हुआ था अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या था, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन, वही अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 48 के ए में क्या है, तो अनुच्छेद 48 के ए में जो था वो क्या था, पर्यावरण वन और वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में भी योजना बनाना चाहिए, राज्य कर्तव्य है। वही अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 49 में क्या है, 49 में जो है भैया 49 में क्या है, 49 में क्या है, 49 में जो है वो है राष्ट्रीय स्मारक, मतलब ऐसी जो राष्ट्रीय महत्व की स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो इन सब की स्मारकों जो है इनके संरक्षण के लिए भी और बहुत सारी वस्तुएं भी, तो उनके संरक्षण के लिए भी योजना बनाना किसका कर्तव्य, राज्य का कर्तव्य बनता है। वही अगर बात करूँ अनुच्छेद 50 में क्या, अनुच्छेद 50 में क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है। उसी के साथ ही मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 51 में क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं आगे कुछ दो अनुच्छेद और रह गए थे इसमें, वो भी हम लोग याद रखते हैं कि अनुच्छेद 350 का ए में क्या, अनुच्छेद 350 का ए में क्या, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ठीक है। कहीं पर भी अनुच्छेद 50 का ए में क्या है, तो हर राज्य का ये कर्तव्य बनता है, अगर हमारे देश का ये कर्तव्य बनता है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा जो होगी, प्राइमरी एजुकेशन जो होगी, वो जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है उसमें जो बच्चे की जो मातृभाषा है उसी में शिक्षा उसको देनी चाहिए, और ये कर्तव्य बनता है राज्य का, ठीक है। और अनुच्छेद 350 के में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र साइड आप जाओगे तो महाराष्ट्र में जो है उनको प्राइमरी तक जो मराठी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही अदर स्टेट में सबका अलग अलग है, तो ये क्या है, कर्तव्य बनता है राज्य का, और इसी कर्तव्य को वो लोग पूरा करते हैं कि मातृभाषा की शिक्षा देना हर राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 350 एक अकॉर्डिंग। मैं बात करूँ अनुच्छेद 351 में क्या है, 351 में क्या है, तो हिंदी को प्रोत्साहन, तो हमारे राज्य का ये भी कर्तव्य बनता है कि वो हिंदी को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो राज्य का प्रोत्साहन उसमें कुछ फैक्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि किसके कहने पर नीति निर्देशक तत्व जुड़ा गया, तो अगर तेज बहादुर संप्रभु के कहने पर नीति निर्देशक तत्व संविधान में जुड़ा गया, तो इसके कहने पर तेज बहादुर संप्रभु के कहने पर जो है नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे संविधान में जुड़ गए थे, ठीक है। और आपको इसका इंग्लिश में नाम याद रखना है, तो इंग्लिश में क्या उनको DPSC बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वो DPSP यूज कर लेता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो इसी के साथ ये कथन बोला जाता है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। तो यह कथन किसका है, तो आपको पेटी शाखा, अगर कभी कथन भी पूछ लेता है तो आप रखें कि कथन किसका है, पेटी शाखा है। कैसे, क्योंकि क्या बोला कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, तो यहाँ पे बैंक कौन जाएगा, जैसे राज्य हो जाएगा, और चेक क्या हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको नीति निर्देशक तत्वों को जो योजना बनाई जा रही है, जो कानून बनाए जा रहे हैं उनमें अप्लाई करना है या नहीं करना, ये राज्य का कर्तव्य है। तो राज्य क्या होगा, बैंक हो गया, और चेक क्या हो गया, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व हो गया। तो बैंक की सुविधा के अनुसार, मतलब राज्य की सुविधा के अनुसार, राज्य को लगेगा तो वो अप्लाई करेगा, अगर उसको नहीं लगेगा तो नहीं अप्लाई करेगा। तो ये हो गया हमारा राज्य नीति निर्देशक तत्व। आगे हम लोग देखते हैं भाग चार ए में क्या जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। हम लोग कितने हैं मौलिक कर्तव्य देखते हैं, आगे क्या है, आगे जो है मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, तो आपको लगना कि भाग चार के ए में है, और अनुच्छेद किस में, अनुच्छेद 51 के ए में है, ठीक है। तो ये पहले नहीं थे हमारे संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ था तब ये हमारे संविधान में नहीं जुड़ गए थे, इनको बाद में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया है, और किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो आपको याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो भाग चार के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है, और अनुच्छेद कौन सा, 51 ए है, और कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया है। आपसे अगर पूछा जाए कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो एक बार हम लोग जस्ट रीडिंग मार लेते हैं इन मौलिक कर्तव्यों पर, ठीक है। तो संविधान का पालन करना चाहिए, हमारा जो संविधान है हमें उसका पालन करना चाहिए, इसी के साथ ही हमारे जो आदर्शों, उसकी आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, ठीक है। तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इन सबका हमको आदर करना चाहिए, और इसके साथ ही हमारा जो संविधान, उसका पालन हमें करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दूसरा पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। हमारे
स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता में जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, ठीक है, उनके और जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, उनके द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया गया, तो उनके आदर्शों का हमें हमें अपने हृदय में संजय रखना चाहिए और उनका पालन भी हमें करना चाहिए, ठीक है। और वहीं अगला क्या बोलते हैं, भारत की प्रभुता, प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता को बनाए रखें और उसकी रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक है, भारत के सभी लोगों में क्या होना चाहिए, समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं और कौन कौन से मौलिक से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। तो पहला जो मौलिक कर्तव्य है हमारा वो है क्या कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें, ठीक है। तो हमारी जो संस्कृति है, गौरवशाली जो परंपराएं हैं उनका महत्व समझे और उसका परीक्षण करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। मैंने कहने बात करें अगला क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, मैं अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए और उसका संवर्धन भी हमें करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए और उसकी क्या क्या हम कर सकते हैं उसके हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो सब चीज़ें हमको करनी चाहिए, ठीक है, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमको ऐसा सोचना चाहिए कि हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी विकास हो और हमारे देश का भी विकास हो, जब हमारा विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे हमारे देश का भी विकास होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य बनता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना भी एक क्या है मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हमारी सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्लेसेस जो है उनकी हमें सुरक्षित उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनको हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, ठीक है, ये भी है। और माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है हमारा मौलिक कर्तव्य भी बनता है, एक माता पिता का मौलिक कर्तव्य है क्या कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाना चाहिए उनको, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा तो एटलीस्ट दी जानी चाहिए। ये हमारे माता पिता का या फिर संरक्षक का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। ये कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, ये 3 जगह जोड़ा गया है। सबसे पहले कब जोड़ा, सबसे 21वें 86वें संविधान संशोधन जो हुआ है, 86वें संविधान संशोधन में इसको 3 जगह जोड़ा गया। कहाँ कहाँ जोड़ा गया, एक तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और जब आपसे पूछा जाए कि निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है, तो ये कौन से मौलिक अधिकार है, कौन किस अनुच्छेद में है ये, तो आप क्या रखें अनुच्छेद 21 के A में है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जानी चाहिए, राज्य का एक कर्तव्य है, तो राज्य का कर्तव्य है, तो ये नीति निर्देशक तत्व है, जो कि कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है अनुच्छेद 45 में, ठीक है, यहाँ भी याद रखना। उसके बाद याद रखना है आपको कि जब ये बात है माता पिता का या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए, ये किसमें है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया है 45 में, और मैं बात करूँ कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार में जोड़ा गया 21 के A में, तो ये आपका रखना है। इसके साथ ही हमारा ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का चैप्टर समाप्त होता है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे अपना भाग 5, और भाग 5 में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।